अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं महाराष्ट्र की फेमस कोथंबीर वड़ी, जो बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। और आज हम इसे डिफरेंट तरीके से बनाने वाले हैं, तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह बोलकर। हमने यहाँ पर एक गड्डी कोथमीर को साफ़ करके धोकर बारीक काट लिया है। अब हम इसमें डालेंगे एक वाटी बेसन, अगर वज़न से नापा जाए तो 150 ग्राम है। उसी के साथ हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच चावल का आटा। इससे कोथमीर वड़ी बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होती है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच मिर्ची पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 2 चम्मच सफ़ेद तिल। अब हम इसमें डालेंगे जीरा, अदरक लहसुन, हरी मिर्च का पेस्ट। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी हम इसे ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गूंद लेंगे। आप देख सकते हैं हमने इसे अच्छे से गूंद लिया है। अब हम इसे थोड़ा सा तेल डालकर इसको चिकना कर लेंगे। अब डो रेडी हो चुका है। अब हम एक केक टिन लेंगे, उसमें थोड़ा सा तेल लगाएंगे। आप चाहे तो एक प्लेट में भी इसको सेट कर सकते हैं। अब हम डो को टिन में डालेंगे और हाथों की मदद से अच्छी तरह से फैलाएंगे। अब हम इसके ऊपर सफ़ेद तिल डालेंगे और हाथ की मदद से इसको प्रेस कर लेंगे। हमने पहले से ही गैस पर एक पतीली में स्टैंड रखकर उसमें पानी डालकर बॉयल होने के लिए रख दिया था। अब हम इसमें 1/2 नींबू डालेंगे। नींबू डालने से बर्तन काला नहीं होता। अब हम इसमें सेट की हुई कोथंबीर वड़ी का टिन रखेंगे और ढककर 10 मिनट तक पकाएंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे चेक कर लेते हैं पका है या नहीं। आप देख सकते हैं ये क्लियर है, ये पक चुका है। अब हम इसे ठंडा कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ठंडा हो चुका है। अब हम इसे पीसेस में काट लेंगे। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप देख सकते हैं हमने इस तरह से पीसेस में काट लिया है। गैस पे कढ़ाई में तेल डालकर हम गरम होने के लिए रख दिया था। तेल गरम हो चुका है। अब हम ये कोथंबीर वड़ी फ्राई कर लेंगे। सभी साइडों को पलटते हुए गोल्डन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसी तरह हम सारे कोथंबीर वड़ी को फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारे बहुत ही टेस्टी कोथंबीर वड़ी रेडी हो चुके हैं। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन दबाना मत भूलना। कमेंट में ज़रूर बताना कैसी लगी हमारी रेसिपी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआओं में हमें याद रखना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।